जबलपुर में अब यूपी की तर्ज पर मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ की फिरौती गोरखपुर स्थित कपड़ा और लोहा व्यापारी सुदीप अग्रवाल से मांगी गई थी, जहां धमकी आने पर सुदीप अग्रवाल ने डरते हुए इसकी शिकायत थाने में की है, जहां 1 करोड़ की फिरौती की मांग को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर और पुलिस टीम को गठित करते हुए पतासाजी की, जहां साइबर और पुलिस टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कपड़ा व्यापारी सुदीप अग्रवाल के यहां पूर्व में काम करने वाले युवक ने फिरौती के लिए कॉल किया था। वहीं सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कजरवारा निवासी अमरदीप सिंह को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की, जिसमें आरोपी अमरदीप ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने और उसका सहयोग करने वाले उसके दोस्त सतना निवासी ने मिलकर फोन पर सुदीप अग्रवाल से फिरौती की मांग की थी, जहां पुलिस ने फिरौती मांगने वाले दूसरे आरोपी अनूप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, 26 तारीख जुलाई को सुदीप अग्रवाल एक बिजनेसमैन है, उनको थाना गोरखपुर क्षेत्रांतर्गत वो रहते हैं, उनको एक मोबाइल पे धमकी आई थी जिसपे कि उनको 1 करोड़ रुपये की के पैसे की मांग की गई थी, और ये उनको धमकाया गया था कि उनके लड़के को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। इस पर से गोरखपुर में जो FIR दर्ज करके क्राइम ब्रांच की टीम और थाना गोरखपुर की टीम लग गई थी और इस मामले का पर्दाफाश हो गया है। इनको धमकी देने वाला, इनके यहाँ पूर्व में काम करने वाला अमरदीप राजपूत 28 वर्षीय युवक है, जो कि कजरवाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। ये पहले इनके यहाँ 3 साल पहले इनके साथ काम कर चुका था और ये फिरौती मांगने का कारण जो आ रहा है वो ये है कि इसका कुछ पैसे का अराउंड 54-55,000 का इसका कर्जा हो गया था, जिसको ये चुका नहीं पा रहा था, तो इसने पहले पूर्व में इसने एक जो धारावाहिक है क्राइम पेट्रोल वो ये देखता था, उससे ये इसका जो पूछताछ हुई है उसमें इसका कहना है कि उससे ये प्रेरित होकर के उसने फिर ये प्लान बनाया और एक सिम इसने अपने परिचित एक अनूप सिंह हैं जो कि सतना के रहने वाले हैं, जो कि पहले इसी के साथ काम भी कर चुके हैं, वहाँ से उसने एक सिम बुलवाई और एक नए मोबाइल में उसको चला करके फिर ये धमकी दी और फिर इस कारण से ये फिर ये पकड़े गए। इसमें कुल मिलाकर के खुद का कर्ज जब ज़्यादा हो जाने के कारण और उसको चुकाना में सक्षम नहीं होने के कारण इन्होंने ये